हरियाणा की कर लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि हरियाणा के तहसीलों में भ्रष्टाचार चरम पर है। सेम सिटी करनाल में भी तहसीलदार भ्रष्टाचार के आरोप में संलिप्त पाया गया है, जिसके चलते सरकार ने तहसीलदार को निलंबित भी किया। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तमाम नए कदम उठाए हैं। तहसीलों में अब सीसीटीवी कैमरों को अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए हमारे संवाददाता कपिल गौड़ की रिपोर्ट। देखिए विधानसभा में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी और उप मुख्यमंत्री जी ने भी विशेष तौर पर घोषणा की है कि जितनी भी रेस्टियों में अनियमितताएं हुई हैं, चाहे वो पूरे हरियाणा में, क्योंकि आंकड़ा जो पेश हो रहा है वो गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा हुई है। मुझे लग रहा है कि विधानसभा में कहने के बाद अब कोई गुंजाइश नहीं है और सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार इन पर करने जा रही है। और जो भ्रष्टाचार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में बहुत सख्त थे और विधानसभा में मुद्दा उठने के बाद और बाकी जो प्रक्रिया है उसके बाद मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कहीं कोई इसमें चूक रहेगी। अभी आप देखेंगे पिछले दिनों करनाल में माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, वहाँ DTP साहब को और तहसीलदार साहब को साथ के साथ सस्पेंड किया गया, उनको अरेस्ट किया गया। और बहुत से ऐसे मामले हैं जिनके अंदर सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, उनको अरेस्ट किया। आप गुड़गांव फरीदाबाद हो या करनाल हो, पूरे हरियाणा में इसी तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। और जो तहसील के लोग, जो तहसीलदार काफ़ी संख्या में इस तरह से लिप्त पाए गए हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, सरकार से इनकी सांठगांठ है। सरकार को ये एक मंथली देने का जो इनका प्रावधान है, जो अपनी ये बदलियां करवा के इस जैसे हमारे मेट्रो सिटियों में आते हैं और उसके बाद एक तयशुदा राशि ये महीने में उन राजनेताओं को पहुंचाते हैं, इसका खुलासा हो चुका है। और हमारे सांसद सुशील गुप्ता जी इसके खिलाफ आवाज़ उठा चुके हैं, हम भी जिला लेवल पे इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आने वाले समय में अगर इस तरह से कोई भी लिप्त तहसीलदार पाया गया और उनकी सरकार से सांठगांठ पाई गई तो हम इसका खुलासा करेंगे। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, सीएम सिटी से लेकर साइबर सिटी तक भ्रष्टाचार के तार जुड़ रहे हैं। और तहसीलों की तो बात छोड़ दीजिए, औरों को तो हाल ही याल है। गुड़गांव में 600 करोड़ से ज्यादा का दो नंबर का पैसा कमाया गया है। 21,700 रजिस्ट्रियां हुई हैं जो 7A का उल्लंघन हुआ है। इससे ज्यादा बड़ा क्या घोटाला होगा हरियाणा के अंदर, जब मुख्यमंत्री दो ही होता है, वो गुड़गांव में आते हैं या सीएम सिटी रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब जांच बैठी है, अब देखना है कि कार्रवाई कितनी होती है। लेकिन सीएम सिटी का भ्रष्टाचार के तार जो जुड़े हैं वो गुड़गांव तक। हरियाणा की तहसीलों में भ्रष्टाचार का बोलबाला एक बार फिर जोरों पर है। हरियाणा की तमाम तहसीलों में तहसीलदार और पटवारी के ऐसे नाम और ऐसे लिस्ट बनाई गई है जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अब ऐसे पटवारी और ऐसे तहसीलदार जिनके लिस्ट में नाम है, उनके वो नाको चने चबा रहे हैं। इस बात का डर, इस बात का खौफ उनको सता रहा है कि सरकार उनको कहीं निलंबित ना कर दे। जैसा कि करनाल में DTP और तहसीलदार के साथ हुआ, वैसा ही कुछ उनके साथ ना हो। खैर, ये तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में तहसीलों में भ्रष्टाचार के कितने आरोप सामने निकल कर के आते हैं और कितनों पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन इस बात का तो मानना तय है कि भ्रष्टाचार भारत के अंदर से या हरियाणा की तहसीलों में से उसको निकाल पाना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ कपिल गौड़, J24 न्यूज़, गुरुग्राम।